हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बीए सेकंड ईयर इंग्लिश लिटरेचर का नॉवल जिसका नाम है फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। तो इस वीडियो में आज हम इस नॉवल से रिलेटेड जो समरी है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि नॉवल से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आता है, अगर आपको उस क्वेश्चन का आंसर प्रॉपर वे में नहीं भी आता है, तब आपको क्या करना है कि उस क्वेश्चन में जो बात पूछी गई है उसे एज ए आंसर के रूप में आपको वही लाइन्स लिखनी होती है, देन आप पूरी समरी लिख देना। इससे क्या होता है कि आपका जो क्वेश्चन है वो जितने भी मार्क्स का होता है उससे हाफ से ज़्यादा मार्क्स आपको मिल जाते हैं। इसके अलावा जो नॉवल से रिलेटेड क्वेश्चन है वो या तो आपके थीम से रिलेटेड या फिर टाइटल से रिलेटेड या फिर करेक्टर्स कैसे रिलेटेड बनते हैं। अगर थीम आती है तो सबसे पहले आप नॉवल की, कोई भी नॉवल आ जाता है उसकी थीम पूछी जाती है, तो आपको सबसे पहले नॉवल की थीम लिखनी होती है, देन आप पूरी समरी उसमें लिख सकते हो। अगर टाइटल से रिलेटेड आता है तभी भी क्या है कि आपको पहले उस टाइटल को जस्टिफाई करना होता है 2 या 3 लाइंस में, देन आप पूरी समरी लिख सकते हो। इसके अलावा करेक्टर स्केच आता है, वो भी उस नॉवल में जो मेन हीरो या हीरोइन होती हैं उन्हीं का करेक्टर स्केच मेनली पूछा जाता है, जिसके ऊपर पूरी स्टोरी बेस्ड होती है। तो ये जो नॉवल है इसमें 2 मेन करेक्टर स्केच हैं, एक हीरो है और एक हीरोइन है, जिसमें गैब्रियल ओक है और सेकंड है जो वो बाशिबा जो कि इसकी हीरोइन है। इन दोनों करेक्टर में से आपका एक क्वेश्चन आ सकता है, तो आप ये दोनों जो करेक्टर स्केच है उसे अच्छे से पढ़ लेना। सो आज हम इस वीडियो में सबसे पहले समरी के बारे में पढ़ेंगे, सो स्टार्ट करते हैं। एंड इसके साथ ही अगर आप बीए सेकंड ईयर से रिलेटेड कोई पॉइंट्स या फिर प्रोज देखना चाहते हो तो नई शुरुआत चैनल है जो उसकी प्लेलिस्ट बनाई गई है बीए सेकंड ईयर पॉइंट्स की और बीए सेकंड ईयर प्रोज इंग्लिश लिटरेचर प्रोज की, तो आप वो दोनों प्लेलिस्ट देख सकते हो। उसमें आपको पॉइंट्स से रिलेटेड बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं वो क्लियर करवाए गए हैं, एंड इसके साथ ही क्रिटिकल एप्रिशिएशन से रिलेटेड क्वेश्चन किस तरीके से करना है उसके बारे में भी बताया गया है। सो अब हम यहाँ पर समरी के बारे में पढ़ लेते हैं। एट द बिगिनिंग ऑफ द नॉवल, नॉवल की स्टार्टिंग में बाशिबा एवरडेन इज़ द ब्यूटीफुल यंग वूमेन, जो बाशिबा है वो क्या है कि एक यंग है ब्यूटीफुल वूमेन है। विदाउट ए फॉर्चून, जिसका जो भाग्य है वो अच्छा नहीं होता है। शी मीट गैब्रियल ओक, सबसे पहले वो गैब्रियल ओक से मिलती है। गैब्रियल ओक अ यंगर फार्मर, जो कि एक यंगर फार्मर होता है। एंड सेव हिज लाइफ वन इवनिंग, और जो बाशिबा होती है वो उसकी लाइफ एक दिन यानी कि एक इवनिंग को उसकी जान बचाती है। ही आस्क हर टू मैरी हिम, और जो गैब्रियल ओक होता है वो बाशिबा से पूछता है कि क्या तुम मेरे से शादी करोगी, बट शी रिफ्यूज, लेकिन वो उसे मना कर देती है। बिकॉज, क्योंकि शी डज नॉट लव हिम, क्योंकि वह उससे प्यार ही नहीं करती। अपॉन इनहेरिटिंग हर अंकल प्रोस्पियर फार्म, शी मूव्स अवे टू द टाउन ऑफ वेदरबरी। इसके बाद क्या होता है कि उसके जो अंकल होते हैं उनके पास बहुत सारा क्या है फार्म होता है जो कि उसे मिल जाता है बाद में, जिसके कारण वो क्या है कि जहाँ पर वो रहती थी उस प्लेस को छोड़कर वो वेदरबरी जो टाउन है वहाँ पर चली जाती है। इसके बाद है यानी वहाँ पर जाने के बाद, एक सेकंड, और डिजास्टर बिफॉल गैब्रियल फार्म्स, फिर क्या होता है कि एक दिन बहुत ज़्यादा तूफान आता है, डिजास्टर आता है, जिसके कारण जो गैब्रियल के फार्म्स होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। एंड ही लॉस हिज शिप, एंड इसके साथ ही जो गैब्रियल है उसके पास जितनी भी शिप्स होती हैं उसे भी क्या है वो खो देता है। ही इज़ फोर्स टू गिव अप फार्मिंग, जिसके कारण क्या है कि उसकी इकोनॉमिक कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है कि उसे फार्मिंग छोड़नी पड़ जाती है। एंड ही गोज लुकिंग फॉर वर्क, और वो काम की तलाश में जाता है। एंड इन हिज ट्रैवल फाइंड हिमसेल्फ इन वेदरबरी, और इसी काम की तलाश में वो क्या है वेदरबरी में पहुंच जाता है। आफ्टर रेस्क्यूइंग अ लोकल फार्म फ्रॉम फायर, फिर क्या है कि जब वो काम की तलाश में जाता है वेदरबरी, तो वहीं पर वो देखते हैं कि एक लोकल फार्म होता है जिसमें आग लगी हुई होती है, जिसके कारण वो उस फार्म का रेस्क्यू करता है, मीन्स कि वहाँ की जो आग वगैरह होती है उसे बुझाने की कोशिश करता है। ही आस्क द मिस्ट्रेस, देन वो उस फार्म की जो मालकिन होती है उससे पूछता है, इफ़ शी नीडेड ए शेफर्ड, अगर आपको एक शेफर्ड की ज़रूरत है, इट इज़ बाशिबा, और वो जो मिस्ट्रेस होती है वो बाशिबा होती है। एंड शी हायर हिम, और वो उसको हायर कर लेती है, मीन्स कि वो उसे जॉब पर रख देती है। एज बाशिबा लर्न टू मैनेज हर फार्म, जो बाशिबा है वो क्या है सीख रही होती है कि किस तरीके से फार्म को मैनेज करते हैं। शी बिकम वो एक्वेंटेड विद हर नेबर मिस्टर बॉलवुड, एंड ऑन ए वीम सेंड हिम अ वैलेंटाइन,
विद द वर्ड मैरी मी। अब क्या होता है कि जो बॉलवुड होता है वो क्या है कि उससे पूछता है कि क्या तुम मेरे से शादी करोगी। बॉलवुड बिकम ऑब्सेस्ड विद हर। जो बॉलवुड होता है वो भी क्या है कि उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाता है एंड बिकम हर सेकेंड सिस्टर, और वो उसका सेकेंड सिस्टर बन जाता है। रिच एंड हैंडसम, वो रिच होता है, हैंडसम होता है। ही हैज़ बीन सॉट आफ्टर बाई मैनी वुमेंस। इसके साथ ही बहुत सारी जो वुमेंस है वो उसको पसंद भी करती थी। बाशिबा रिफ्यूजिंग, लेकिन बाशिबा उससे भी मना कर देती है। बिकॉज, क्योंकि शी डज नॉट लव हिम, क्योंकि वो उसे प्यार ही नहीं करती। बट शी देन एग्रीज टू रिकन्सिडर हर डिसीजन। लेकिन क्या है कि वो बाद में वापस क्या है कि अपना जो निर्णय होता है उसे रिकन्सिडर, यानी कि वापस से उसके बारे में सोचती है। दैट वेरी नाइट, और एक दिन काफ़ी रात को, यानी कि देर रात में, बाशिबा मिट्स अ हैंडसम सोल्जर सार्जेंट ट्रॉय। अब क्या होता है कि जो बाशिबा होती है वो एक सोल्जर, एक सैनिक से मिलती है जिसका नाम होता है सार्जेंट ट्रॉय। अनबीनॉन्स्ट टू बाशिबा, ही हैज़ रिसेंटली इम्प्रिगनेंटेड अ लोकल गर्ल, रैनी फैनी रॉबिन, एंड ऑलमोस्ट मैरिड हर। अब क्या होता है कि वो जो लड़का होता है वो क्या है कि ऑलमोस्ट मैरिड हर, मीन्स कि वो एक, यानी कि लड़की होती है उसके साथ जिसका नाम होता है फैनी रॉबिन, उसके साथ शादी करने वाला होता है। ट्रॉय फॉल्स इन लव विद बाशिबा, लेकिन जैसे वो बाशिबा को देखते हैं तब वो क्या है कि बाशिबा के प्यार में पड़ जाता है। एंड अनरैगिंग बॉलवुड, इसके बाद क्या होता है कि जो बॉलवुड होता है, यानी कि सबसे पहले आता है गैब्रियल ओक, देन आया बॉलवुड, और तीसरे नंबर पे क्या है कि सार्जेंट ट्रॉय है, जो वो भी क्या है उसके साथ, यानी कि जो बाशिबा है उसकी ब्यूटी से इतना ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाता है कि उसके लव में आ जाता है। इवन उसकी जो शादी है वो क्या है कि एक लड़की फैनी रॉबिन के साथ होने वाली होती है। इसके बाद लिखा हुआ है, बाशिबा ट्रैवल टू बाथ टू वार्न ट्रॉय ऑफ बॉलवुड एंगर, एंड वाइल शी इज़ देयर ट्रॉय कन्वेंस हर टू मैरी हिम। अब क्या होता है कि जो बॉलवुड होता है जैसे उसको पता चलता है तो वो गुस्सा हो जाता है, लेकिन क्या होता है वाइल शी इज़ देयर, वो वहाँ पर होती है, तब क्या है कि जो ट्रॉय होता है वो उसको, यानी कि बाशिबा ट्रैवल्स टू बाथ टू वॉन्ट ट्रॉय। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो बाशिबा होती है वो बाथ जाती है ट्रॉय को, यानी कि वॉर्न करने के लिए कि जो बॉलीवुड है उसका गुस्सा तुम्हें नहीं पता है। वाइल शी इज़ देयर, जब वो वहाँ पर होती है, ट्रॉय कन्वेंस हर, तो जो ट्रॉय होता है वो उसको कन्वेंस कर लेता है, मना लेता है टू मैरी हिम, कि वो उसे शादी कर ले। गैब्रियल हैज़ रिमाइंड हर फ्रेंड, तो जो गैब्रियल होती है उसे सॉरी गैब्रियल हैज़ रिमाइंड हर फ्रेंड, तो जो गैब्रियल है उसे क्या है याद आता है अपने फ्रेंड के बारे में थ्रू आउट, एंड डज नॉट अप्रूव द मैरिज, और वो क्या है कि अप्रूव नहीं करता है इस मैरिज को। अ फ्यू वीक्स आफ्टर हिज मैरिज टू बाशिबा, और थोड़ा टाइम बाद क्या है कि उसकी शादी है जो वो बाशिबा के साथ हो जाती है। ट्रॉय सीज फैंसी फैनी, जो ट्रॉय है वो देखते हैं फैनी को, पुअर एंड सिक, जो कि गरीब होती है, सिक बीमार होती है। शी लेटर डाई गिविंग बर्थ टू हर चाइल्ड, तो वो क्या है कि यानी कि अपने बेबी को जन्म देती है, और उसके बाद उसकी क्या है डेथ हो जाती है। बाशिबा डिस्कवर दैट, बाशिबा को पता चलता है ट्रॉय इज़ द फादर, और जो ट्रॉय है वो उसका पिता है। ग्रीव स्टिकन एट फैनी डेथ एंड रिडल विथ शेम, ट्रॉयस रन अवे एंड इज थॉट टू हैव ड्रोन। जब ट्रॉय को ये सारी बातें पता चलती है तो जो ट्रॉय है वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होता है और वहाँ से वो चला जाता है। विद ट्रॉय सपोजली डेथ, तो जो ट्रॉय की इस प्रकार की जो डेथ थी, बॉलीवुड बिकम मोर एंड मोर इम्पैथिक अबाउट बाशिबा मैरिंग हिम। तब क्या होता है कि जो बॉलीवुड होता है बिकम बहुत ज़्यादा इम्पैथिक हो जाता है अबाउट बाशिबा, बाशिबा पर, क्योंकि जो बाशिबा है मैरिंग हिम और वो उसे शादी करना चाहता था। ट्रॉय सी बाशिबा, जो ट्रॉय है वो बाशिबा को देखता है एट ए फेयर, एक फेयर में, एक मेले में, एंड डिसाइड टू रिटर्न टू हर, और क्या है कि वो डिसाइड करते हैं कि वो उसके पास वापस चला जाएगा। बॉलीवुड हॉल्ड और क्रिसमस, जो बॉलीवुड है वो क्या है कि क्रिसमस है जो वो सेलिब्रेट करते हैं, टू विच जिसमें ही इनवाइट बाशिबा, जिसमें वो बाशिबा को इनवाइट करते हैं, एंड अगेन प्रपोज मैरिज, और अगेन क्या है कि उसे प्रपोज करते हैं शादी के लिए। जस्ट आफ्टर, इसके बाद ही, शी हैज़ एग्रीड, तब वो क्या है एग्री हो जाती है शादी करने के लिए। ट्रॉय अराइव टू क्लेम हर, लेकिन जो ट्रॉय है वो वहाँ पर पहुँच जाता है एंड क्लेम करते हैं। एंड बाशिबा स्क्रीम, एंड जो बाशिबा होती है वो स्क्रीम करती है, बॉलीवुड शूट्स ट्रॉय डेड,
तो जो बॉलवुड होता है वो क्या है, ट्रॉय को शूट कर देता है, गोली मार देता है, जिसके कारण ट्रॉय की डेथ हो जाती है। ही इज़ सेंटेंस्ड टू लाइफ इन प्रिजन, जिसके कारण क्या होता है कि जो बॉलवुड होता है उसे जेल हो जाती है। ए फ्यू मंथ्स लेटर, और कुछ महीनों के बाद बाशिबा मैरिज गैब्रियल। जो बाशिबा है वो क्या है कि गैब्रियल से शादी कर लेती है, एंड नाउ अ प्रॉस्पेर बेलिफ, और बाद में वो क्या है एक प्रॉस्पेर एक समृद्ध बेलिफ बन जाती है। सो इस तरीके से क्या है कि बाशिबा है जो, उसके पीछे तीन पर्संस होते हैं। सबसे पहले गैब्रियल लोक, देन उसके बाद आता है बॉलवुड, देन उसके बाद आता है ट्रॉय। अब इसमें क्या होता है कि जो ट्रॉय होता है उसकी एक लड़की साथ पहले ही शादी होने वाली होती है, जिसका नाम होता है फैनी। लेकिन जैसे ही वो बाशिबा को देखते हैं तो वो उसके प्यार में पड़ जाता है। उसके बाद क्या होता है कि सबसे पहले जो बाशिबा होती है वो ट्रॉय से, यानी कि ट्रॉय को कन्वेंस कर लेता है, जिसके कारण जो बाशिबा होती है वो एग्री कर जाती है कि ठीक है वो ट्रॉय से शादी कर लेगी। लेकिन क्या होता है कि जो ट्रॉय होता है जिसके उस जिसके मतलब जो ट्रॉय होता है उसके साथ जिस लड़की की शादी होने वाली होती है वो क्या है कि एक बेबी को जन्म देती है और उसकी डेथ हो जाती है। ये सारी घटना के कारण जो ट्रॉय होता है वो एक बार के लिए, मतलब बहुत ज़्यादा क्या है कि उसकी जो कंडीशन होती है स्टेबल नहीं रह पाता, जिसके कारण वो एक बार के लिए वहाँ से चला जाता है। जिसके कारण क्या होता है कि जो बॉलवुड होता है वो वापस बाशिबा को क्या है प्रपोज करते हैं शादी के लिए, जिसके कारण क्या होता है कि जो बाशिबा होती है वो उसको हाँ कर देती है। लेकिन बाद में क्या होता है कि जैसे ही वो उसको हाँ करती है शादी के लिए, तभी वहाँ पर ट्रॉय आ जाता है, जिसके कारण जो बॉलवुड होता है उसे गुस्सा आ जाता है, और बॉलवुड है जो वो ट्रॉय को गोली मार देता है, जिससे ट्रॉय है जो वो भी मर गया, और जो बॉलवुड होता है उसे जेल हो जाती है। लास्ट बचता है गैब्रियल, उसी से जो बाशिबा होती है वो शादी कर लेती है। सो होपफुली आपको ये जो नॉवल है उसकी स्टोरी समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपका डाउट दूर कर दिया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।